प्रतीक सहजपाल एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज लॉकअप में गए। शिवम के बाद बना है सेकंड फाइनलिस्ट और उसको एकता कपूर की ओर से एवेलाई का ईके का पेंडेंट दिया गया है। तो कौन बना है, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले प्रतीक ने जाकर सभी को जो है तोहफे दिए। इसके बाद शिवम को एवेलाई दिया और कहा कि आप फर्स्ट फाइनलिस्ट थे तो ये आपके लिए है, और दूसरा पेंडेंट मैं उसको दूंगा जो सेकंड फाइनलिस्ट बना है, जिसको जनता ने चुना है। और मुकाबला था आजमा और प्रिंस नरूला के बीच। इन सभी से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, सभी ने कहा प्रिंस को होना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि आजमा को मिल जाएगा। तो सभी का जवाब सेम ही था कि चाहते तो वो थे प्रिंस को मिले लेकिन सबको लग रहा था कि आजमा को मिलेगा। और ऐसे में प्रतीक सहजपाल ने और ज़्यादा जो है सस्पेंस क्रिएट किया। पहले आजमा को बुलाया, प्रिंस को बुलाया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने आजमा को डिक्लेयर किया कि आजमा आप इधर आ जाइए। जब आजमा पहुंचती हैं तो कहती हैं कि अब आप प्रिंस को बुलाइए क्योंकि आपको ये प्रिंस को पहनाना है, क्योंकि प्रिंस को जनता ने सिलेक्ट कर दिया है। तो सेकेंड फाइनलिस्ट प्रिंस नरूला बने हैं शिवम के बाद, और दूसरे हैं प्रिंस नरूला। लेकिन प्रतीक ने ये साफ कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये दो ही जाएंगे, आप सभी को अभी भी लगातार मेहनत करते रहनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक वोटिंग लाइंस खुली हैं। तो सेकंड फाइनलिस्ट हमें मिल गया है जो है शिवम के बाद प्रिंस नरूला।